सावी की तो मुसीबतें बढ़ जाती है जब काफी लोग उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उसकी जो टी स्टॉल है उस पे आकर के काफी लोग ड्रग्स ले रहे हैं और अब ना चाहते हो भी इंसान को भी उसके टी स्टॉल को हटा करके अब उसमें आग लगानी पड़ती है। तो गुड लोग ये भी राव साहब की प्लानिंग होती है। तो खैर चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब सबके सामने राव साहब को उससे माफी मांगना पड़ता है अपनी गलती के लिए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सावी को इन्वेस्टिगेट कर दिया था। अब यहाँ पे इंसान सबको बता देता है लेकिन जब वो माफी मांगता है तो सावी उससे माफ नहीं करती है। खैर अपने टी स्टॉल आती है तो जीत करके आती है तो इसका सेलिब्रेशन भी होता है। उससे पहले इसे लॉवर्स का फोन आता है कि अब चले आओ उस डिवोर्स पेपर को साइन करके जल्द से ताकि हम आगे के काम करें। अब यहाँ पे ये क्या करती है जल्दी से पहचान करती है लेकर के पहुंच जाती है वहां जाकर के देती है। लेकिन जब यहाँ वापस आती है तो एक लड़की जो सबकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रही होती है ताकि वो इंटरनेट पर डाल सके तो उसमें एक चीज और रिकॉर्ड हो जाती है कि टी स्टॉल पे काफी सारे बच्चे जो कॉलेज से बंक मार करके यहाँ पे आकर के टाइम पास कर रहे हैं। तो अब ये वीडियो उनके माता पिता तक पहुंच जाती है और वो लोग लेकर के चले आते हैं रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे कॉलेज के सामने अब मुसीबत खड़ी हो जाती है क्योंकि इंसान इसका जवाब देने के लिए राजी हो जाता है और फैसला कर लेता है कि ठीक है वो उस टी स्टॉल को हटवा देगा। लेकिन जब वापस सब लोग आते हैं देखने के लिए तो यहाँ पे दरअसल सभी लोग परेशान होते हैं और काफी वक्त से पढ़ाई करने के बाद में उनको बहुत बोरिंग फील हो रही होती है। तो सभी गाना बजा देते ताकि सभी लोग डांस करें और सबका थोड़ा सा शरीर हल्का हो जाए मन हल्का हो जाए ठीक है। तो अब सब लोग डांस करने लगते हैं इसी में वो भी दुखी होती है क्योंकि अब वो ईशान को ही याद कर रहे होते हमेशा और उसके मन में चल रहा होता है ईशान की शादी हो जाएगी तो फिर ये कैसे रहेगी। लेकिन जब ईशान आता है देखता है कि सभी लोग नाच गाना कर रहे हैं और यहाँ पे तमाशा बनाकर रख दिया गया है कॉलेज के तो अब ये बहुत गुस्सा होता है। ये सभी को अल्टीमेटम दे देता है कि 24 घंटे के अंदर तुम अपने दुकान को यहाँ से हटा लो नहीं तो फिर उसके आगे जो हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ तुम कुछ नहीं कर सकते। अब सावी के सामने बहुत बड़ी मुसीबत होती है कितनी जल्दी दुकान को कहीं शिफ्ट कर पा रहा लगभग मुसीबत क्रिएट कर देगी। लेकिन रातों रात राव साहब आग लगवा देता है उसमें और पूरी प्लानिंग जो ये पेपर लीक का ड्रामा रचा गया था वो राव साहब ने ही रचा था बस सावी के खिलाफ में ताकि सावी को यहां से बहुत दूर भेज सके। अब मुसीबत जो सावी के लिए क्रिएट होती है उसे लड़ पाना लगभग धीरे धीरे नामुमकिन हो जाती है। लेकिन सच में गुरु लोग इसका एक फायदा उसके लिए ये होता है कि सबकी सिंपैथी इसके लिए बढ़ जाती है और जो स्टूडेंट जो इसका सपोर्ट करते हैं वो खुल करके सामने आने लगते हैं और सच में और ही ज्यादा मजेदार हो जाती है क्योंकि ये खुद की कोचिंग खोलने की सोच लेती है जो सच में काफी बेहतरीन होगा और साथ जो इसे पैसों की जरूरत है वो भी पूरा हो जाएगा। तो सच में मजेदार तो होने वाली है देखते हैं लोग कहने वाले स्टोलन क्या है। खैर बात करें देखो यार एक्स्ट्रा प्लॉट की तो लीप की बातें चल रही हैं लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि भाई लीप आने में कितना वक्त लगेगा ठीक है क्योंकि फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि लीप आएगा या ऐसा कुछ हो सकता है कि बाद में किसी का एक्सीडेंट हो जिसके दस चले जाए तो वो सब बात की बात है।